अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। मैं हूँ मामा आरिफ और आप देख रहे हैं बस ठीक है। नाज़रीन, आज फिर से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल बिच्छू में आफरीन का किरदार निभाने वाली इस खूबसूरत और क्यूट अदाकारा के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें बताऊँगी कि असल में कौन है, क्या है, कैसी है, क्या करती हैं, इनकी शादी हो चुकी है या नहीं। ये सब बातें जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी और आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वक्त है कि बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हम बात कर रहे थे ड्रामा सीरियल बिच्छू में आफरीन का किरदार निभाने वाली इस खूबसूरत अदाकारा की। इनका असल नाम सईदा तूबा अनवर है। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं और ये बेहद खूबसूरत और क्यूट हैं। ये 15 नवंबर 1994 को कराची में पैदा हुई और अब इनकी एज 27 ईयर है। ये कराची की रहने वाली है। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी हाइट 5 फीट 6 इंचज़ और वेट 50 kg है। इनका आई कलर ब्लैक है, हेयर कलर भी ब्लैक है। इनका बॉडी टाइप स्लिम है और स्किन कलर फेयर है। अब अगर बात इनकी एजुकेशन की करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। इन्होंने कराची की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अब अगर बात इनकी शोबिस करियर की करें तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया। मॉडलिंग से बेपनाह शहरत पाने के बाद इन्होंने एक्टिंग करने के बारे में सोचा। इनका पहला ड्रामा बड़ास 2020 को एयरवाइज डिजिटल पर नशर किया गया था। इस ड्रामा से उन्होंने बेहद मकबूलियत और शोहरत हासिल की है। इसके बाद उन्होंने बेशुमार ड्रामाज और फिल्मों में अदाकारी की और अब ये ड्रामा सीरियल बिच्छू में अदाकारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस ड्रामा में इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी अदाकारों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है और सबके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। इनकी शादी हो चुकी है लेकिन अब इनकी डिवोर्स भी हो चुकी है और अब ये सिंगल हैं। ये बेहद खूबसूरत और क्यूट एक्ट्रेस और मॉडल हैं। तो नाज़रीन, आपको सईदा तूबा अनवर के बारे में जान के कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी मेज़बान उमामा आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।